ऑल राइट, तो ये वीडियो इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है जेंटलमैन। ये वीडियो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास अभी बहुत फ्री टाइम है, ऐसा हो सकता है कि आप अभी शायद थोड़ा खाली बैठे हो। हाँ, अब ये महामारी पैंडेमिक सिचुएशन है हमारे सर पे, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, हम हमारी खुद की इम्प्रूवमेंट में मेहनत करना बंद करते हैं। जेंटलमैन, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने आप को बेहतर करना छोड़ दें, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली इन 21 दिनों में हम चाहे तो हमारी बदलाव की जर्नी, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पूरी कर सकते हैं। कैसे? वेल, 21 इजी स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन द कमिंग 21 डेज। अब फर्क नहीं पड़ता कि पैंडमिक 20 दिन में खत्म हुई या 21 दिन में, लेकिन अगर आपके पास 21 दिन का समय है टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू अ बेटर मैन, आज का ये वीडियो जेंटलमैन आपके बहुत काम आने वाली है। तो मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's show it there. Now I got a price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a ball today. Got lost in the ball and ace. I'm flipping the balls. I'm flipping the ओके, तो इससे पहले कि मैं 21 पॉइंट स्टार्ट करूं, आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि भाई आपको किसी पैंडमिक या ऐसे किसी सिचुएशन का वेट नहीं करना कि मेरे पास 21 दिन का टाइम हो, फ्री घर पे बैठा हूं, सो दैट आई कैन वर्क ऑन माय सेल्फ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 21 दिन है, पैंडमिक हो ना हो, छुट्टी हो ना हो, जेंटलमैन, अगर आपको अपने आप में बदलाव चाहिए, अगर आपको अपने आप को बदलना है, तो फिर ये 21 दिन का रीजनिंग एक अच्छा लॉजिकल एग्जाम्पल नहीं है, एक अच्छा लॉजिकल एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको अपने आप में बदलाव, अगर आपको अपने आप में सुधार चाहिए, तो आपको भाई अपने लिए 21 दिन ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो फिर शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कार्यक्रम जो आप कर सकते हैं 21 दिनों में 21 तरीकों से अपने आप को बेहतर करने के लिए, वो है मेडिटेशन। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं है, मुझे ये चीज़ पहले कुछ खास पसंद नहीं था, अब भी नहीं, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो आई वुड नॉट रियली रिकमेंड यू गो ऑल बुद्धिस्ट मॉन्क एट इट। मैं नहीं चाहूँगा आप एक ही बार में आधा घंटा बैठ गए और ध्यान कर रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। मैं चाहूँगा आप चीज़ें आसान तरीके से, इजी तरीके से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर दिन 1 से 2 मिनट मेडिटेट कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 21 to 30 डेज। अब आपको शायद 1 या 2 मिनट खास ना लगे, लेकिन इससे होना क्या, इससे आपकी आदत बननी है, और अगर एक बार आदत बन गई तो फिर दैट 1 मिनट to 2 मिनट्स to 20 मिनट्स वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा कार्यक्रम, दूसरा स्टेप, जर्नलिंग। अब जर्नलिंग में करना क्या है आपको, एक डायरी में या फिर एक नोटबुक में अपने हर दिन के रैंडम विचार लिखने, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आप उल्टा सीधा सोच रहे हो या फिर कुछ अच्छा सोच रहे हो, राइट देम डाउन। अब इससे क्या होगा, वेल, इससे ये होना है कि अगर आप मेरे जैसे पागल हो जिसके दिमाग में 500 थॉट्स घूमते रहती है, देन यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन डीक्लटर योरसेल्फ। क्योंकि देखो, अगर आप अपने बुद्धि को, अगर आप अपने दिमाग को डीक्लटर करके पेपर में लिख के अपने थॉट्स देख सकते हो, आप उतना ज़्यादा फोकस्ड, आप उतना ज़्यादा डिटर्मिंड, और आप उतनी ही तेजी से अपने गोल के प्रति बढ़ोगे। ट्राई इट आउट इन केस यू हैव जर्नलिंग इन अ नोटबुक और अ डायरी डेली। नंबर तीन या तीसरा कार्यक्रम या तीसरा स्टेप, वेरी ऑब्वियस वन ऑन माई लिस्ट, भाई कसरत। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो भाई लास्ट वीक बनाया था इस चैनल पे, देख लो। दिस इज अ होम वर्कआउट वीडियो दैट आई एम डूइंग सिंस 7 or 8 days। इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई अगर आप घर में हो, अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं है, अगर आप बाहर जाके कसरत नहीं कर सकते, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप कसरत नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने फिटनेस के प्रति थोड़ा ध्यान नहीं देना, देना है भाई, क्यों नहीं देना। एंड दैट्स वन वे आई मेड दैट वीडियो, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, आप सबने रिक्वेस्ट किया था, वॉच इट, बट प्लीज़ कंटिन्यू टू टेक योर फिटनेस सीरियसली। क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि 1 workout a day कीप्स द वायरसेस अवे। नंबर 4 या 4th कार्यक्रम, पानी। सुबह उठ के आधा 1 liter पानी पीना, दिन में 4 या 5 liter पूरा पानी पीना, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट, वेट, व्हाटएवर। जेंटलमैन, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी 70% पानी से ही बनी है। तो अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी एक संतुलित तरीके से काम करे, देन यू नीड टू गिव इट द वाटर इट नीड्स। क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि भाई सफिशियंट हाइड्रेशन अ डे ऑल्सो कीप्स द वायरसेस अवे। नंबर 5 या 5वां स्टेप, भाई ग्रैटिट्यूड। एक नोटबुक में, अपने डायरी में, अपने फोन में स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या, वेल, ग्रैटिट्यूड का मतलब है आभार। आप अपने जिंदगी के प्रति किस लिए आभारी हो? आपके पास 2 आँख है, आपके पास 2 कान है, 1 नाक है, मुंह है, हाथ है, पाँव है, आप अच्छे से रह रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वो बहुत जन के पास सपने में भी ना हो, सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और आपका ये आभार व्यक्त करने का द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ एक डायरी में, या फिर एक पेपर में, या फिर एक नोटबुक में, अपने फ़ोन में भी
अपने डेली कुछ ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखो कि भाई मैं आज इसके लिए आभारी हूँ, मैं आज इसके लिए आभारी हूँ। बिकॉज यू नीड टू रेस्पेक्ट योर लाइफ, यू नीड टू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ। और बात मानो, अगर आपने ये 7 दिन या 8 दिन के लिए भी ट्राई किया ना, आपकी जो पूरी इस लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव है वो पूरी बदल जाएगी। एंड आई वुड रियली वांट दैट टू हैपन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, स्किन केयर। क्योंकि आपके पास 21 दिन है या फिर 30 दिन है घर पे बैठने को, रेस्ट करने को, आप बाहर नहीं जा रहे, आप सूरज में नहीं खेल रहे, आपके पास सनटैन होने का रीज़न नहीं है, आपके पास कोई स्किन बर्न होने का रीज़न नहीं, आप अच्छे से अपने आप को डिटॉक्सिफाई और डिटैन कर सकते हो इस 20-21 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू हैपन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। करना क्या, आपको एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो। अगर वीडियोज़ नहीं देखें तो भाई कम से कम 150 वीडियो तो स्किन के ऊपर बना दिया होगा मैंने, जो चैनल में चेक करो, देख लो। एंड जस्ट फॉलो अ रूटीन, एक रूटीन अच्छे से फॉलो करो। अपने त्वचा का ध्यान रखो, अपने स्किन का ध्यान रखो, टू मेक यू लुक लाइक द हैंडसम मैन दैट यू डिजर्व टू बी। नंबर 7, और ये मैं भूल गया था भाई मेरे इंग्लिश वीडियो में, कि लर्न अबाउट मनी, लर्न अबाउट फाइनेंसेस, लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस। सेविंग्स के बारे में जानो, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानो, कैश फ्लो के बारे में जानो, एंड लर्न अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट पर्सनल फाइनेंस। पैसा बनाते कैसे हैं, सेव कैसे करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकता हूँ, एंड एवरीथिंग दैट देयर इज टू ऑफर। वीडियोस बनाई है मैंने इस टॉपिक में यार, इन सारे 21 पॉइंट में मैंने शायद सारे 21 टॉपिक पे एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाया है। क्लिक करो, चेक करो, एंड लर्न द बेस्ट थिंग पॉसिबल। नंबर 8, डांस। क्योंकि वाई नॉट जेंटलमैन, अगर आप एक अच्छे नचनिया हो, अगर आप एक अच्छे डांसर हो, देन चांसेस आर यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव वन। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, आप अपने आप को इतना जज नहीं करते। और अगर आपके पास 20-21 या 30 दिन का भी एक टाइम है जहाँ पे आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं चाहूँगा आप एक ऑनलाइन कोर्स ले लो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर लो, एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ सम डांस मूव्स। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है तो बॉलीवुड करो, मुझे सालसा और बचाता पसंद है तो मैं वो करूँगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट द पॉइंट इज, नाचना सीख लो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैन डू नॉट नो हाउ टू डू अ प्रॉपर डांस, उनको पता नहीं कि अच्छा नाचते कैसे, बस दैट्स नॉट फन। ये आप किसके साथ करोगे? आप सच में, दिस इज जस्ट लाइक नो ब्रेनर। नंबर 9, गेट क्रिएटिव। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, अपना ब्लॉग या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फिर एक मीडियम पेज स्टार्ट कर लो। अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव थॉट्स हैं, और मुझे लगता है यार हम सब के पास एक क्रिएटिव थॉट है, हम सब अपने आप में बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन हम अपने आप को जज करते हैं या फिर एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डोंट डू दैट। आपको टिकटॉक पे बनाना है कुछ, टिकटॉक पे बनाओ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, इंस्टाग्राम पे करो। यूट्यूब चैनल खोलना है वो खोल लो, ब्लॉग पेज खोलना, कुछ भी कर लो। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू डिस्ट्रीब्यूट योर कॉन्टेंट, लेकिन मैं चाहूंगा आप इनमें से कोई भी एक चीज पिक करके अपना क्रिएटिविटी शेयर करो। क्योंकि यार हमारा ये बनता है यार, मुझे भी देखना आप कितना क्रिएटिव हो, हम सबको देखना आप कितना क्रिएटिव हो, सो आई नॉट शेयर इट विद एवरीवन अराउंड। द स्टार्ट राइटिंग अ डेली टू डू लिस्ट इधर इन योर फोन और अ डायरी ऑफ योर चॉइस। अगर आपको दिन में कुछ भी उखाड़ना, अगर आपको दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव सा करना है, आपको अच्छे से प्लान करके एक फोन में या फिर एक डायरी में टू डू लिस्ट बना के लिखना पड़ेगा कि भाई आज मुझे ये 4-5 चीज़ें करनी है और मुझे 4-5 चीज़ें खत्म करनी है, सो दैट योर डायरी या फिर आपका फोन आपको अकाउंटेबल रखे। क्योंकि देखो अभी आप घर में हो और अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है नहीं, तो फिर देयर इज नो वन टू होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। और इन दिनों में, इन सिचुएशंस में, अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हो, द बेस्ट वे टू डू इट इज अपने गोल्स अपने टू डू लिस्ट पे लिखो, हर दिन का 4-5 टास्क, 10-12 टास्क जितने भी आपके पास हो, एंड मेक श्योर यू ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ देम। नंबर 11, भाई घर के कुछ काम करना शुरू करो, डू सम हाउस होल्ड चोर्स। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, खाना बनाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, या फिर अगर आपको मेन स्टाइल और फैशन में इंटरेस्ट है, बाकी सब व्यूज की तरह इस चैनल पर, देन स्टार्ट आइनिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग योर क्लोथ्स। भाई सीख लो वॉशिंग मशीन कैसे यूज करते हैं, सीख लो कि भाई इन सब बेसिक चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जाता है, क्योंकि आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है। नंबर 12, ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आपने 6-8 महीने में या फिर साल भर में नहीं पहना है, तो इट्स अबाउट टाइम आप उसे निकाल फेंको। और अगर आपके पास ऐसे कुछ कपड़े हैं जो आपको ज्यादा पहननी है, देन इट्स अबाउट टाइम आप उसको ऊपर रखो। नंबर 13, अपने जूते साफ कर लो। नंबर 14, मेन स्टाइल और फैशन के बारे में 1-2 नई चीजें सीख लो, ऐसा कुछ जो आपने शायद पहले ट्राई नहीं किया, जैसे वेयरिंग अ ब्लैक टी एम बी बेसिक विद अ हुडी और ट्राइंग आउट समथिंग एल्स अकॉर्डिंगली। नंबर 15, मेंस हेयर और ग्रूमिंग के बारे में कुछ नया सीख लो। भाई अलग अलग ब्लो ड्राइंग टेक्निक, अलग आयनिंग टेक्निक, सी सॉल्ट स्प्रे कोई नया है तो वो ट्राई कर लो, कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करना है तो वो ट्राई कर लो, नया हेयर स्प्रे, शैम्पू, कंडीशनर, नया हेयर स्टाइल। अगर आप मेरे जैसा पागल हो तो अपना बाल काटना ही सीख लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न अबाउट योर ओन हेयर एंड ग्रूमिंग इन दिस टाइम। नंबर 16, हमारा 2019 का शॉर्ट फिल्म देखो। अगर देखा नहीं है तो IMDb के टॉप 250 मूवीज देखो, क्योंकि ये टॉप 250 मूवीज आपको एक बेहतर सिनेमा को समझने में काफी मदद करेगी। ये टॉप 250 मूवीज आपकी शायद थोड़ी पर्सपेक्टिव और आपका थोड़ा नरेटिव लैंग्वेज इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग
को बदलेगी, आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला बनाएगी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 17, एटलीस्ट एक किताब इन 20-21 दिनों में खत्म कर। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतनी मोटी किताब खत्म करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू रीड बाय द वे, लेकिन अगर आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं चाहूंगा आप कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी बुक उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, एंड स्टार्ट रीडिंग इट एंड फिनिशिंग इट इन 21 डेज। अगर आपको जानना है कि भाई मैं कौन से बुक्स रिकमेंड करूंगा, वॉच दिस वीडियो राइट हियर। क्योंकि देखो भाई, मुझे पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा शौक है नहीं, मुझे भी किताबें ऐसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ लगता है नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑडिबल में जाके ऑडियो बुक सुनता हूँ, क्योंकि इट जस्ट अ होल लॉट मोर ईजियर एंड फन फॉर मी टू गो थ्रू अ लॉट मेनी बुक्स। मैं अगर ऑडिबल में सुन रहा हूँ तो मैं शायद महीने के 3-4 किताबें पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे पढ़ने बैठ गया तो भाई हाय तौबा। इन केस यू वॉन्ट टू डू दैट, अगर आपको वो करनी है तो भाई ऑडिबल का लिंक कहीं पे होगा, यहाँ पे या नीचे होगा, चेक कर लो। यू विल गेट अ फ्री 30-day ट्रायल अगर आप वो लिंक पे जाओगे, एंड यू कैन पिक अ बुक ऑफ योर चॉइस। अगर आपको पता नहीं कौन सी बुक लेनी है, वॉच द वीडियो, पिक अप अ बुक फ्रॉम दैट लिस्ट एंड लिसन टू इट फॉर फ्री। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, और ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनो। टॉक टू वन न्यू गर्ल एवरी 21 डेज, किसी एक नई लड़की से हर दिन इन 21 दिनों में बात करो। कैसे कर सकते हो आप भाई? पुराने स्कूल दोस्तों से बात करो, पुराने कॉलेज के क्रश से बात करो, किसी और को जानते हो उनसे बात करो, बस बात करनी है। आपको उसको पटाना नहीं है, आपको उसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, आपको उसको फ्लिंग नहीं करना, शादी नहीं करनी, कुछ नहीं। आपको सिर्फ बात करनी है एक नई लड़की से इन दीज 21 डेज। अगर आपके पास कोई भी दोस्त नहीं है, देन गो टू टिंडर, डाउनलोड बम्बल, ये सारे बहुत अच्छे एप्लीकेशन हैं आपके फ़ोन के लिए, वेर यू कैन मीट गुड पीपल। सीखो भाई प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, सीखो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड सीखो हाउ टू टॉक टू मैन एंड वुमेन इन जनरल, वन न्यू गर्ल एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। क्योंकि देखो, शायद ऐसा हो कि इन 21-22 दिनों में आपको किसी 21-22 लड़की में से कोई एक ऐसा कमाल लड़की मिल जाए जो आपके पर्सनैलिटी टाइप की हो, जो आपको सही में पसंद हो, एंड देन यू माइट गो आउट ऑन अ कैजुअल डेट, यू माइट जस्ट हैंग आउट, और क्या पता आपको शायद आपकी कल की बीवी मिल जाए। बट दैट्स नॉट द एंड गोल, दैट्स नॉट द ओनली गोल। मैं चाहूँगा नहीं आप इस थॉट प्रोसेस से किसी से बात करें, एंड दैट विल नॉट बी द थॉट प्रोसेस अगर आप 21-22 लड़की से बात करोगे तो। नंबर 19, चैलेंज योर सेल्फ इन डूइंग वन थिंग जो आपने पहले अभी तक कभी किया नहीं या ट्राई नहीं किया हो। फॉर मी इट इज़ मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन किया नहीं है, मुझे पसंद था नहीं, स्टिल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट फॉर माई सेल्फ। अगर आपको लड़कियों से बात नहीं करनी आती, अगर आपको मैसेज टेक्स्ट मैसेज नहीं करना आता, अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है, अगर आपको डांस सीखना, अगर आपको कुकिंग सीखना है, देन यू कैन डू एनी ऑफ इट। आपको जो भी पसंद है, जो आपने पहले कभी किया नहीं है, आपको पहले इंटरेस्ट लगा नहीं था, यू कैन ट्राई इट, यू कैन गिव इट अ शॉट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ बाहर जाकर सुट्टा पियो, दारू पियो, बिकॉज हमने ट्राई नहीं किया तो हम करेंगे, माइक ने बोला। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो प्लीज़। बट फॉर मी इट इज़ मेडिटेशन। मैंने किया क्या, मुझे एक दिन में बैठ के आधा घंटा मेडिटेशन नहीं करना, बिकॉज दैट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा वही 1 या 2 मिनट के कॉन्सेप्ट में। यू कैन डू द सेम थिंग विथ योर कुकिंग, डांसिंग, और जस्ट टॉकिंग टू रैंडम पीपल। यू सेंडिंग हाई, और यू जस्ट डांसिंग फॉर 2 मिनट्स, और यू कुकिंग समथिंग लाइक ऑमलेट्स और ब्रेड, इज सिंपल एज यू कुकिंग नथिंग एट ऑल। अब नंबर 20, इतनी कुकिंग की बात कर ही रहे हैं तो भाई खाना बनाना भी सीख लो। क्योंकि देखो, मसला आपको संजीव कपूर बनाने का नहीं, वैसे उसमें कुछ गलत बात है नहीं, अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो भाई मेरे भी कुछ बना दो खाने के लिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट द पॉइंट इज, आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी और डायर नीड। फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट, चावल दाल, मे बी सम पनीर, मे बी सम चिकन। और अगर शायद आपको ये सब डिफिकल्ट लग रहा हो तो भाई चावल डाल लेके खिचड़ी बना लो। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो भाई रवा या सूजी से कुछ सीख लो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी इजी, भाई ब्रेड में जैम डालना सीख लो। बहुत जन ऐसे जिनको वो भी नहीं आता। फॉर मी, वेल आई रियली लाइक सत्तू, मुझे सत्तू बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक बहुत हाई प्रोटीन ऑर्गेनिक चीज़ है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारा फाइबर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे टेस्ट में भी अच्छी लगती है। आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई कैन रिकमेंड यू ट्राई इट इन केस यू हैवंट। लेकिन भाई पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लर्न टू कुक एंड ईट समथिंग फॉर योरसेल्फ। और आखिरी 21 एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑन द लिस्ट, कि भाई अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, यह अच्छा टाइम है, पूरी भारत पूरा देश बंद है, यू कैन स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ जो आप पहले बस सोच ही रहे थे। यू कैन डू A lot of things for your own good जो पहले आप बस सोच ही रहे थे। अब सोचने का वक्त नहीं, अब काम करने का समय आ गया। अब मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, आप ध्यान रखना, ध्यान रखना चले। मैं अगर आपको ये हुडी चाहिए या फिर अगर आपको ये प्यारी सी टी शर्ट चाहिए, यू कैन गो टू teambasics.com एंड यू कैन गेट ईदर वन ऑफ दीज फॉर योर सेल्फ राइट नाउ। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको मेरी कोचिंग, मेरी कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा फोन कॉल पे। I'll help you through the process of becoming a better man, a more attractive, a more high value man. अब अगर आपको मेरी personal help चाहिए तो you can do that. लेकिन इन दोनों चैनलों में, मेरे English और Hindi चैनल में कुछ 800 से भी ज़्यादा videos हैं यार। If you really go through it all, आप इतना कुछ तो सीख जाओगे कि you will be a better man in general. तो मुझसे या किसी से भी बात करने की उतनी आपको खास ज़रूरत है नहीं।
है अगर आप में बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े भी सेल्फ मोटिवेटेड हो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने आप बिना किसी के हेल्प से। बट फॉर एवरीवन एल्स कंसल्टेशन लिंक डाउन बिलो। क्योंकि देखो इस टाइम पे ना यार बहुत जन आराम से चिल करेंगे, बींग लेजी खेलेंगे, बहुत जन को शायद पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एक फ्यूल है एंड इट्स अबाउट टाइम वी स्टार्ट पंपिंग आवर फ्यूल इन। इट्स अबाउट टाइम वी गेट टू वर्क एंड इट्स अबाउट टाइम वी स्टॉप मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस अबाउट इट। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो भाई 12 साल से या 6 साल से या 2 साल से भी बहुत मेहनत बहुत काम कर रहा है, ऑफिस में कॉलेज जा रहा है स्कूल जा रहा है, एंड इफ यू रियली नीडेड सम टाइम आउट टू जस्ट रिलैक्स एंड नॉट थिंक वर्क और नॉट थिंक एनीथिंग दैट इज स्ट्रेसफुल और ओवरवेलमिंग फॉर यू, देन दीज 21 डेज ये 21 दिन आपके लिए बहुत अच्छा मिनी वेकेशन है, बहुत अच्छा छुट्टी है, विच इज समथिंग यू नीड फॉर योर ब्रेन एज वेल। आपको ये 21 दिन अपने आप को ट्रीट करनी है टू रीसेट योर ब्रेन टू बिकम अ बेटर मैन। क्योंकि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ही अपने पर्सनल डेवलपमेंट के पीछे पागल कुत्ते की तरह दौड़ना है। डोंट डू दैट, रिलैक्स, calm down, enjoy the time, but if you really want to improve yourself, this is the perfect time. Milta agle mein, dhyan rakhna, khyal rakhna, jai hind, take care.